Yes, class 11th, we were doing banking transactions. We have started journal chapter, name is journal. And we were doing banking transaction. तो कल हमने banking transactions को बहुत अच्छी तरह से समझा कि different type of banking transaction में हम entries कैसे pass करते हैं. Now there are some transaction which I brought to you ताकि आप इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए. Right? चलिए start करते हैं. तो मैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन से ओपनिंग अ करंट अकाउंट, एक अकाउंट खोला बैंक में. अकाउंट आपने क्या किया, ओपन किया. तो जब एक बिजनेसमैन बैंक में अकाउंट ओपन करता है तो क्या होता है, उसके हाथ दो इफेक्ट क्या पड़ते हैं, बैंक के अकाउंट उसका बढ़ता है कि बैंक अकाउंट खुल गया, और सेकेंडली उसके हाथ से कैश जाता है क्योंकि कैश तो डिपोजिट कराएंगे ना बैंक में, तभी तो आपका बैंक अकाउंट बनेगा. तो अब कैश गया, कैश जाता है तो हमेशा क्रेडिट करते हैं, और बैंक अकाउंट आपका इंक्रीज हुआ तो हमने बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. तो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगी, जब आप बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते हैं या फिर एक बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो योर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे दैट इज 20,000. नेक्स्ट इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक. बैंक से आपने पैसे निकाले, बैंक से और क्या निकाल सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं. तो अब जब आप पैसे निकालेंगे तो कैश आपके पास इंक्रीज होगा और बैंक में से पैसे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे. तो वही रूल को फॉलो करेंगे, जब कैश इंक्रीज होता है तो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, और बैंक में से अमाउंट चला गया तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा. तो माई सेकेंड ट्रांजेक्शन विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में से पैसा आपका कम हो गया. कितना, 3,000 rupees. नेक्स्ट विल सी विड्रॉन. अब ये चीज ध्यान से समझना बेटा, विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज फ्रॉम बैंक. आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं लेकिन प्राइवेट यूज के लिए. सपोज नेचुरली प्राइवेट यूज के लिए निकाल रहे हैं तो हम टर्म यूज करते हैं ड्रॉइंग्स. तो अगर वो कैश निकालता था प्रोपराइटर तो हम लिखते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश. लेकिन यहाँ पर उसने कैश नहीं निकाला, यहाँ पर उसने बैंक से पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैश तो निकला नहीं तो कैश की जगह क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा. तो आई राइट ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट कम हुआ तो हमने बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया विद द अमाउंट 2,000 rupees. नेक्स्ट नंबर फोर्थ, हमेशा ध्यान रखो बेटा इसमें एक चीज याद रखना, बैंक में पैसा जमा होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और अगर बैंक से पैसा निकालेंगे किसी भी रीजन तो बैंक अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होगा. ठीक है, ये हम एसेट में पढ़ चुके हैं कैसे होता है. देन गुड्स परचेज एंड अमाउंट पेड बाय चेक. हमने कुछ परचेज की, अब जब हम परचेज करते थे बेटा, परचेज के तीन केसेस होते हैं, या तो आप कैश में परचेज कर सकते हैं, क्रेडिट में परचेज कर सकते हैं, या फिर अब नेक्स्ट हमने सीखा कि आपने क्या किया, उस परचेज के बदले में आपने चेक दिया. ठीक है, तो जब हम कैश में परचेज करते थे तो हम लिखते हैं परचेज टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. अगर सपोज हम क्रेडिट पे करते थे तो हम क्या लिखते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू द नेम ऑफ द पर्सन, टू पे क्या लिखते थे, पर्सन के नेम को क्रेडिट करते थे. जैसे सपोज राम से परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम. और थर्ड, अब हम आज सीख रहे हैं कि अगर सपोज आप कैश पेमेंट भी नहीं करें, क्रेडिट पे भी नहीं करें, लेकिन आपने पेमेंट किया लेकिन बैंक चेक के थ्रू पेमेंट किया, तो नेचुरली आपके बैंक अकाउंट कम होगा, बैंक अकाउंट कम होगा तो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है. तो आई राइट हियर परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाउ मच अमाउंट, अमाउंट इज गिवन That is 25,000. So I'll write here 25,000. My next transaction says, fifth, goods sold and amount received by check. अब आपने सेल किया है और सेल के बदले में आपको चेक रिसीव हुआ. अब मैंने आपको दो चीजें बताई थी इसमें. जब भी हमें चेक रिसीव होते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप चेक को उसी डे पे डिपॉजिट करा दीजिए बैंक में, और दूसरा होता है कि आपने अभी अपने पास ही रखा है चेक को, आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया. दोनों की ट्रांजेक्शन अलग अलग होंगे, दोनों की एंट्रीज अलग अलग होंगी, तो मैंने दोनों ही एंट्रीज को इसमें इंक्लूड किया है. तो पहले हम एक पहली एंट्री करते हैं जहां पर चेक को डिपॉजिट करा दिया है ऑन द सेम डे पे ही डिपॉजिट करा दिया. तो गुड, आपने सेम डे पे
चेक को डिपॉजिट करा दिया तो इसका मतलब आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर सिंपल एंट्री है। अब फिर से देखिए, हम फिर से पीछे वाला थोड़ा सा रिकैप करते हैं, तो पीछे वाला भी मैं थोड़ा सा याद रहेगा। सेल भी तीन टाइप की हो सकती है, या तो आप कैश पे करें आपको कैश मिले, या आप उधार पे करें क्रेडिट पे, या थर्ड आज हम जो सीख रहे हैं कि आपको सेल के बदले अपने गुड्स की सेल के बदले क्या मिल रहा है, चेक मिल रहा है। जब हम कैश पे सेल करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, जब हम उधार पे सेल करते थे तो हम पर्सन का नाम लिख देते हैं, तो हम लिखते हैं राम डेबिट टू सेल। सपोज राम को आपने क्रेडिट पे किया तो हम कैश की जगह राम का नाम लिख देते हैं। और थर्ड, अब क्योंकि हमें चेक मिल रहा है तो कैश और राम की जगह हम बैंक लिख देंगे, बस इतना फर्क पड़ेगा। तो आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आई राइट बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बढ़ गया आपके बैंक में टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंड हाउ मच अमाउंट, दैट इज 5000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेज सोल्ड गुड्स टू राकेश, राकेश को हमने गुड सेल की है अगेंस्ट चेक। अब एक बार ध्यान रखेंगे, अब इसने हमने क्या किया, गुड को सेल किया राकेश को, उसने हमें चेक दे दिया। प्रॉब्लम इज दैट इसने हमें यही नहीं बताया, जैसे पिछले ट्रांजेक्शन में बताया था कि चेक को आपने सेम डे पे डिपॉजिट कराया है, इसने हमें नहीं बताया कि चेक को सेम डे पे डिपॉजिट कराया है या अपने पास ही रखा है, बैंक में जमा नहीं करा। तो हमेशा देखेंगे बेटा, अगर ऐसे ट्रांजेक्शन में जहाँ पर क्लियर नहीं है तो आप उसके आगे की दो चार एंट्रीज देखिए, दो चार एंट्रीज में कहीं ना कहीं आपको बता देगा कि चेक को डिपॉजिट इस डे पे कराया। नहीं बताया तो आप एज्यूम करके चलेंगे कि चेक को आपने सेम डे पे ही डिपॉजिट करा दिया है और वही एंट्री पास करेंगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। लेकिन अब मैं आगे चेक करती हूँ क्या चेक को उसने सेम डे पे डिपॉजिट कराया है या नहीं। तो मैंने अगली एंट्री चेक की तो उसमें बोला चेक ऑफ राकेश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब उसने अगली डेट दी, सपोज ये फोर्थ को हुआ और ये हो गया फिफ्थ को, सपोज दिसंबर लेके चल रहे हैं, तो ये फोर्थ दिसंबर को उसने सेल की, चेक मिला, और फिफ्थ दिसंबर को उसने उस चेक को क्या किया, डिपॉजिट कराया इनटू बैंक। तो अब बेटा क्या एंट्री करेंगे, हमें पता चल गया। तो अब ये ध्यान से करेंगे, अब ये चेक तो हमने हमारे पास ही है, हमारे बैंक अकाउंट में तो इंक्रीज हुआ नहीं क्योंकि आपने बैंक में जमा तो कराया नहीं उसको। तो फिर मैं इसकी जगह क्या लिखूंगी, तो इसकी जगह मैं लिखूंगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब आपके हाथ में चेक है ना, आपके ना तो बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ ना आपका कैश अकाउंट इंक्रीज हुआ। तो व्हाट विल आई राइट, दैट इज चेक इन हैंड, मैं एक नई चीज लेके आऊंगी, दैट इज चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और हमें किससे मिला है टू सेल, आपने सेल किया और आपको क्या मिला, चेक इन हैंड चेक मिला। अब कितना मिला है राकेश से, जो हमें चेक मिला था दैट इज ऑफ 10,000, हमें मिला है चेक इन हैंड जो मिला है 10,000। अब आपने क्या किया, इसी चेक को क्या किया, बैंक में जमा कराया ऑन द नेक्स्ट डे। तो अब आपने उसको बैंक को जमा, नेक्स्ट डे बैंक में जमा कराया, तो नेक्स्ट डे जब आप नेक्स्ट एंट्री लिखेंगे दैट इज ऑफ 5th दिसंबर, 5th दिसंबर को क्या एंट्री लिखेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब हमने उसको चेक जो हमारे हाथ में था वो तो चला गया हमारे पास, इसलिए क्रेडिट, और हमारे बैंक अकाउंट क्या हो गया, इंक्रीज हुआ क्योंकि हमने बैंक में हुआ अकाउंट अमाउंट क्या करा दिया, डिपॉजिट करा दिया। तो कितना अमाउंट था, दैट इज 10,000, राइट। तो अब ये चीज में समझ रहा है कि अगर आप सेम डे पे जमा नहीं करा रहे हैं तो आप उसको चेक इन हैंड लेके चलेंगे। अब देखो एक चीज ध्यान रखो बेटा, एंट्री का सेम इफेक्ट ही पड़ता है। देखो चेक इन हैंड एक बार डेबिट हुई, चेक इन हैंड एक बार क्रेडिट हुई, तो हमेशा डेबिट का इफेक्ट कितने से डेबिट 10,000 से, क्रेडिट 10,000, तो क्या इफेक्ट पड़ता है, डेबिट क्रेडिट से बिल्कुल क्रॉस हो जाएगी। अब सपोज ये डेबिट हो रही है और ये क्रेडिट हो रही है, क्रॉस हो गया। अब मैं इसकी एंट्री बनाऊं तो क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, वही इफेक्ट आ जाता है। जब आप बैंक में जमा कराएंगे बैंक उसको, तो आपका इफेक्ट वही आ जाता है जो कि आपका पहले था, पहले वाली एंट्री में था, राइट। बट ये ध्यान रखना, जब आप सेम डे पे डिपॉजिट नहीं करा रहे तो दो एंट्री पास कर दिया। देन कोई चेक था राकेश से, आपको कोई चेक मिला था और वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो
हमें पता है जब उसे चेक मिला था तो हमने लिखा होगा बैंक टू राकेश, राइट। और जब वो चेक डिसऑनर हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, उसकी उल्टी एंट्री पास कर देते हैं। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज रहेंगे तो वाई देयर इज राकेश, तो चेंज कर देते हैं हम नाम इसका। तो कोई हमें चेक मिला था फ्रॉम राम और वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो मैं क्या करूंगी उसकी उल्टी एंट्री पास करूंगी। जब भी डिसऑनर होता है तो उल्टी एंट्री पास हो जाती है, राइट। तो अब एंट्री क्या पास होगी, दैट इज राम डेबिट टू बैंक अकाउंट, सपोज इट इज ऑफ 2000, तो आई एम राइट हियर 2000। तो चेक मिला था आपको, वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो इसलिए मैंने उस एंट्री को क्या कर दिया, उल्टा पास कर दिया। तो बैंकिंग एंट्रीज में सिर्फ यही चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, बाकी सब चीजें आप कर लेंगे, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी जो टीचर दे सकती है, अगर आपको ज्यादा लेवल आपका चेक करना है, कि चेक वाली एंट्री देगी कि चेक मिला और सेम डे पे डिपॉजिट कराया, या चेक मिला बट आपने सेम डे पे डिपॉजिट नहीं कराया। दिस इज द एंट्री जो मोस्ट ऑफ द टीचर प्रेफर टू गिव इन द एग्जाम पेपर। सो अब बैंकिंग ट्रांजेक्शन हम कर चुके हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या रहूंगी, बाकी के जो भी बची हुई एंट्रीज हैं, आई थिंक 7 or 8 एंट्रीज आर देयर, तो उसको भी हम करते हैं और फिर इस चैप्टर को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।